हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको इंग्लिश में बात करना सीखना है, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है या फिर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने हैं, तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में आई थिंक आपको पता होगा। जैसे अभी मैं आपको एक सेंटेंस दूँ, उसने कानून का उल्लंघन किया इसलिए उसको सज़ा मिली। इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता है, कैसे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ये आपको पता है, लेकिन उल्लंघन को इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? और ये सब के बारे में आपको पता तब चलेगा जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी नए नए वर्ड्स के बारे में जानकर, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता करकर, और उसके साथ साथ उसका कैसे यूज़ करते हैं ये जब आपको पता होगा तब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। सो इस वीडियो में मैंने ऐसे ही 25 वर्ड्स कवर किए हैं जो कि बहुत यूज़फुल है, और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है तो उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है डिफेस, DEFACE, डिफेस, जिसका मतलब होता है बदनाम करना या फिर खराब करना। एग्जाम्पल, डोंट डिफेस लाइब्रेरी बुक्स, जिसका मतलब है लाइब्रेरी की बुक्स को खराब मत करो, खराब करना, या फिर हम बोल सकते हैं बिगाड़ना, लाइब्रेरी की बुक्स को मत बिगाड़ो, डोंट डिफेस लाइब्रेरी बुक्स। नेक्स्ट वर्ड है एनसिस्टर, ANCESTOR, एनसिस्टर, जिसका मतलब है पूर्वज या फिर बाप दादा, जो हमारे बुजुर्ग पूर्वज हैं उन्हें हम एनसिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इट वॉज द एनसिस्टर्स हु रोट दीज लेटर्स, जिसका मतलब है यह उनके पूर्वज थे जिन्होंने ये पत्र लिखे थे, इट वॉज द एनसिस्टर्स हु रोट दीज लेटर्स। नेक्स्ट वर्ड है amiable, जिसका मतलब होता है प्रिय, सबका प्यारा या फिर मिलनसार। जैसे जो बच्चे होते हैं वो सबको प्यारे होते हैं, और कुछ बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो बहुत मिलनसार होते हैं, उन्हें हम एमिएबल चाइल्ड भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, जिसका मतलब है वह एक मिलनसार युवक लग रहा था। सीम्ड का मतलब होता है लगना या फिर दिखना, वह एक मिलनसार युवक लग रहा था, ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन। नेक्स्ट है futile, जिसका मतलब होता है व्यर्थ, फालतू या फिर निरर्थक, या फिर जो चीज़ काम की नहीं हो, वेस्ट हो या फिर टाइम बर्बाद करने वाली हो, उसे हम फ्यूटाइल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट, जिसका मतलब है विरोध करना निरर्थक होगा, मतलब व्यर्थ होगा या फिर फ्यूटाइल होगा। नेक्स्ट है admonish, जिसका मतलब है चेतावनी देना, सावधान करना या फिर डांटना। जैसे अगर आपका कोई दोस्त गलत काम करने वाला हो, कोई ऐसा काम जो सही नहीं है, तो आप उसे चेतावनी देते हैं, उसे सावधान करते हैं कि ऐसा मत करो, उस सावधानी या फिर चेतावनी को हम बोलते हैं एडमोनिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, His mother admonished him for eating too quickly, जिसका मतलब है उसकी माँ ने उसे जल्दी जल्दी खाने के कारण डांटा। एडमोनिश का मतलब डांटना भी होता है, तो यहाँ पर उसका हमने इस टाइप से यूज़ किया है, उसकी माँ ने उसे जल्दी जल्दी खाने के कारण डांटा। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिज्म, ANTAGONISM, एंटागोनिज्म, जिसका मतलब है नफरत, दुश्मनी या फिर बैर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, There was antagonism between two neighbors, जिसका मतलब है दो पड़ोसियों के बीच दुश्मनी थी या फिर दो पड़ोसियों के बीच नफरत थी, बैर था। नेक्स्ट है minimal, जिसका मतलब होता है बहुत कम या फिर नाम मात्र का। जैसे आपको कभी हल्की सी चोट लगी होगी, थोड़ी सी नाम मात्र की चोट, तो नाम मात्र जो हम यूज़ करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमल। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, द स्टॉर्म कॉज्ड मिनिमल डैमेज, जिसका मतलब है तूफान ने नाम मात्र का नुकसान किया या फिर बहुत कम नुकसान पहुँचाया। नेक्स्ट है NATTER, जिसका मतलब है गपशप करना, बकवास करना या फिर बेवजह बातें करना। कुछ लोग ऐसे होता है ना जिनसे हम बात नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो आपसे बात करते हैं बेवजह, बिना किसी रीज़न के फालतू की बातें करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें हम नेटर करना कहते हैं, और नेटर करने को हम नेटरिंग भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, वंस ही स्टार्ट्स नेटरिंग यू जस्ट कांट स्टॉप हिम
once he starts nattering, you just can't stop him. जिसका मतलब है एक बार जब वो बकवास शुरू करता है या फिर बेवजह बातें करना शुरू करता है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। बेवजह बातें करने को हम nattering बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है strenuous, 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 जिसका मतलब है कठिन प्रयास या फिर कठोर, या हम बोल सकते हैं मुश्किल या फिर हार्ड टाइप का। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू एनी स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज। हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू एनी स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, जिसका मतलब है उनके डॉक्टर ने उन्हें कोई भी कठोर व्यायाम ना करने की सलाह दी या फिर कोई मुश्किल एक्सरसाइज, कोई हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए मना किया। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक, जिसका मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना। एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड अ स्टर्न रिब्यूक फ्रॉम द मैनेजर। ही रिसीव्ड अ स्टर्न रिब्यूक फ्रॉम द मैनेजर, जिसका मतलब है उसे मैनेजर से कड़ी डांट पड़ी। नेक्स्ट वर्ड है acquittal, ACQUITAL, acquittal, जिसका मतलब होता है दोष मुक्ति, छुटकारा या फिर रिहाई। बेसिकली इस वर्ड का ज़्यादा यूज कोर्ट कचहरी में होता है, जब कोई इंसान बेगुनाह या फिर दोषमुक्त साबित हो जाता है तो हम उसे acquittal कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ही होप्ड फॉर एन acquittal, ही होप्ड फॉर एन acquittal, जिसका मतलब है उसे रिहाई मिलने की उम्मीद थी। acquittal का मतलब रिहाई मिलना भी होता है, सो उसका हमने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया, ही होप्ड फॉर एन acquittal, उसे रिहाई मिलने की उम्मीद थी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी, जिसका मतलब है विपत्ति, आपदा या फिर तंगहाली, जो कि अभी इंडिया में भी चल रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, शी वॉज स्माइलिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। शी वॉज स्माइलिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जिसका मतलब है विपत्ति के समय वह मुस्कुरा रही थी। शी वॉज स्माइलिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट है रिटेलिएट, RETALIATE, रिटेलिएट, जिसका मतलब होता है बदला, प्रतिशोध या फिर पलटकर हमला करना। जैसे किसी ने अगर आपके साथ गलत किया तो बदले में आप उसके साथ भी गलत करते हो, उसे हम रिटेलिएट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, I was sorely tempted to retaliate, जिसका मतलब है मैं बुरी तरह से प्रतिशोध लेने के लिए ललचा रहा था। मैं बुरी तरह से प्रतिशोध या फिर बदला लेने के लिए ललचा रहा था। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन, CONVENE, कन्वीन, जिसका मतलब है एकत्र करना, बुलाना या फिर आयोजन करना, जिसकी मीनिंग है किसी काम के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें एक जगह पर एकत्रित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द कमिटी विल कन्वीन एट 11:30 नेक्स्ट थर्सडे। द कमिटी विल कन्वीन एट 11:30 नेक्स्ट थर्सडे, जिसका मतलब है समिति अगले गुरुवार को 11:30 बुलाई जाए या फिर समिति 11:30 एकत्र होगी। नेक्स्ट है परसिक्यूट, PERSECUTE, परसिक्यूट, जिसका मतलब है सताना या फिर अत्याचार करना या कष्ट देना। एग्जाम्पल, दे परसिक्यूट दोज हु डू नॉट अग्री विद देयर आइडियाज। दे परसिक्यूट दोज Who do not agree with the ideas, जिसका मतलब है वे उन लोगों को सताते हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते। Persecute का मतलब होता है सताना, अत्याचार करना या फिर तड़पाना भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच, BREACH, ब्रीच, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर दरार पड़ना। एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग द लॉ। जिसका मतलब है उसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया या फिर उसे पनिशमेंट मिली। और ब्रीच का यूज हम दरार पड़ने पर भी यूज कर सकते हैं या फिर तोड़ने पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिश्तों में दरार पड़ना, ब्रीचिंग रिलेशनशिप्स। सो इस तरीके से हम ब्रीच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड, जिसका मतलब होता है धोखाधड़ी, बेईमानी या फिर ढोंग। एग्जाम्पल, ही वॉज जेल्ड फॉर 2 years फॉर फ्रॉड एंड डिसेप्शन। ही वॉज जेल्ड फॉर 2 years फॉर फ्रॉड एंड डिसेप्शन, जिसका मतलब है धोखाधड़ी और दगा के लिए उसे 2 साल की जेल हुई थी। नेक्स्ट है इवल आई, EVIL, जिसका मतलब होता है बुरी नज़र। इवल आई, बुरी नज़र। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी लुकड एट मी विथ एन इवल आई।
शी लुकड एट मी विथ एन ईवल आई, जिसका मतलब है उसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा। नेक्स्ट है स्मर्क, SMIRK, स्मर्क, जिसका मतलब है बनावटी ढंग से मुस्कुराना या फिर बनावटी हंसी। एग्जाम्पल, आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस, आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस, जिसका मतलब है मैंने उसके चेहरे पर बनावटी हंसी देखी। बनावटी हंसी को हम स्मर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है पेनल्टीमेट, PEN, पेन ULTIMATE, अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, जिसका मतलब है आखिरी से पहले या फिर अंत से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 तक काउंटिंग करते हैं तो जो नंबर 9 है वो पेनल्टीमेट नंबर है, आखिरी से पहले वाला, लास्ट सेकेंड जो हम बोलते हैं उसे हम पेनल्टीमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नवंबर इज द पेनल्टीमेट मंथ ऑफ द ईयर, नवंबर इज द पेनल्टीमेट मंथ ऑफ द ईयर, जिसका मतलब है नवंबर साल का आखिरी से पहला महीना है। नेक्स्ट है हार्मनी, HARMONY, हार्मनी, जिसका मतलब है तालमेल या फिर सामंजस्य। एग्जाम्पल, दे वर्कड इन परफेक्ट हार्मनी, जिसका मतलब है उन्होंने सही तालमेल से काम किया। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा, AGENDA, एजेंडा, जिसका मतलब होता है कार्य सूची या फिर करने वाली कार्यवाही। बेसिकली ये वर्ड कंपनीज और ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे उनके आगे की क्या प्लानिंग है, आगे वो क्या करने वाले हैं, वो एक कार्य सूची या मतलब एक लिस्ट में लिख देते हैं, उसे हम एजेंडा बोलते हैं। एग्जाम्पल, सेफ्टी एट वर्क इज़ ऑन द एजेंडा फॉर नेक्स्ट मंथ्स मीटिंग, सेफ्टी एट वर्क इज ऑन द एजेंडा फॉर नेक्स्ट मंथ्स मीटिंग, जिसका मतलब है अगले महीने की बैठक के लिए यानी अगले महीने की मीटिंग के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा, मतलब सेफ्टी एट वर्क कार्य सूची पर है यानी एजेंडा पर है, अगले महीने की बैठक के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा कार्य सूची पर है। नेक्स्ट वर्ड है डिडक्ट, DEDUCT, डिडक्ट, जिसका मतलब है निकाल लेना, कटना या फिर घटाना। एग्जाम्पल, द कंपनी डिडक्ट्स 2,000 rupees एवरी मंथ फ्रॉम माई सैलरी एज हेल्थ इंश्योरेंस, द कंपनी डिडक्ट्स 2,000 rupees एवरी मंथ फ्रॉम माई सैलरी एज हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर डिडक्ट का मतलब आपको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब भी आपको पता है, कंपनी, रुपीज, सैलरी, मंथ, इन सब की मीनिंग भी आपको पता है। सो मैं चाहता हूँ इस सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेट आप करें और नीचे कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों को ये बनता है। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है स्लोगन, SLOGAN, स्लोगन, जिसका मतलब है नारा। जो नारे लगाए जाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो या फिर कुछ और, उन्हें हम स्लोगन कहते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कैन यू गिव अस एनी सजेशंस फॉर अ स्लोगन, जिसका मतलब है क्या आप एक नारे के लिए हमें कोई सुझाव दे सकते हैं, कैन यू गिव अस एनी सजेशंस फॉर अ स्लोगन। लास्ट वर्ड है आज का एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन, जिसका मतलब है महत्वाकांक्षा, कामना या फिर अभिलाषा। एग्जाम्पल, His burning ambition was to study medicine, जिसका मतलब है उसकी ज्वलंत महत्वाकांक्षा, मतलब उसका जो अंदर से बहुत इच्छा हो रही होगी, जो उसकी महत्वाकांक्षा है, वो चिकित्सा का अध्ययन करना है, यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करना, दवाइयों के बारे में पढ़ाई करना है। सो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।